हो रहे हैं। तो और भाई लोग कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और शानदार वीडियो में। तो भैया जी आज आपके भाई को रखिए जुकाम, मारेगा दवा कर बंदे। तो भैया दवा कर बंदे मारते और सामने एक साइड जो एक बंदा था उसे नॉक कर देते हैं, अब एक टीममेट और था इसका तो इसको भी नॉक कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को फिनिश कर देते हैं क्योंकि इनके दो बंदे पहले ही मर चुके थे। और दोनों को फिनिश करने के बाद एक बॉट आ जाते हैं, यानी नुनू मस्तान आ जाते हैं हमारे, तो नुनू मस्तान जी को प्रसाद चलाएंगे। तो यहाँ पर नुनू मस्तान को समाप्त करते हैं। अब जैसे ही इसको समाप्त करते हैं और इस दूसरे की पेटी लूटने जाता हूँ, तभी इतने में एक और महावली जी आ जाते हैं। तो महावली जी को निपटाते हैं और निपटाने के बाद यहाँ से हम गाड़ी उठाते हैं, सामने की तरफ ड्रॉप गिरा हुआ था, तो जल्द ड्रॉप के पास चलते हैं। अब ड्रॉप के पास एक बंदा आ चुका था पहले से ही हमसे, तो हम जो है छुपकर जाएंगे और छुपकर मारेंगे उसे, क्योंकि बंदे के पास आरपीजी थी लास्ट में, क्योंकि ड्रॉप में आरपीजी आई थी उसने वो उठा ली। तो इस वाली वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आरपीजी से कैसे बचें। तो आरपीजी वाले बंदे के पास डायरेक्ट सीधा रस ना करें और सामने जो छुपकर उसे बंदे मारे। अब बंदा गाड़ी में बैठ चुका था तो मैं स्प्रे देता हूँ और बंदे को स्प्रे भी लग जाती है। और उसने सोचा कि मेरे पास तो आरपीजी है तो मुझे कौन मार सकता है। अब भाई स्प्रे तो मैंने ऐसा दिया था कि उसकी लगभग 50% हेल्थ जा चुकी थी, और उसने आरपीजी चलाई लेकिन मैं बच गया। अब देखो यहाँ पर इस बंदे में थोड़ी सी एमो पड़ी और ये नॉक हो गया, यानी मर गया, क्योंकि इसकी टीम का एक ही बंदा बचा था। तो यार आरपीजी वाले से बच कर दिखाया आपको, तो आरपीजी वाले से डायरेक्ट फाइट न मत लेना, क्योंकि डायरेक्ट फाइट लेने में मरने का डर है भाई। तो यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।